जल्द हो सकता है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान। सीडीएस की दौड़ में सबसे आगे जनरल विपिन रावत। रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेज के नियमों को सुधारा है। सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़कर 65 साल। रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस। सैन्य मामलों में जुड़े मुद्दे देखेगा सीडीएस। सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 साल हो गई है क्योंकि जनरल विपिन रावत रिटायर होने को थे और सैन्य मामलों से जुड़े मामले जो है वो सीडीएस देखेगा सीधे रक्षा मंत्री के साथ, यानी कि सेक्रेटरी को, रक्षा सचिव को इस मामले में, इस विभाग के मामले में, कोऑर्डिनेशन के मामले में, रक्षा खरीद के मामले में बाईपास किया जाएगा ताकि तीनों सेनाओं में जो बेहतर तालमेल है वो बना रहे। किस फंड को किस तरीके से किस वक्त कहां यूटिलाइज करना है, इस बात के लिए दरअसल सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, वो उस पर नजर रखेगा और सीधी बात रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री से होगी। तो सीडीएस की दौड़ में सबसे आगे जनरल विपिन रावत है जो कि रिटायर होने को है। तो सीडीएस एक ऐसा पद जो अमेरिका में है, चाइना में है, इटली में है, फ्रांस में है और ये बेहद महत्वपूर्ण पद क्योंकि इसके जरिए जो फाइलें रक्षा मंत्रालय में लटकी रहती हैं, ये कहना है और ये माना भी जाता है कि जिसके चलते लेट लतीफी होती है सेना से जुड़े मामलों में, खासतौर पर सेना की प्रोक्योरमेंट, सेना की फंडिंग और आपसी तालमेल युद्ध वाली स्थितियों में पहले से बना हो, इसके लिए सीडीएस का पद इख्तियार किया गया है।